अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा, अभी मैंने नमाज पढ़ के फ्री हुई थी, मैं सोचा थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ। आज मैं जो आपके साथ शेयर करी हूँ ना, आज मैं एक आपको मिनी सा पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगी जिसमें आपको नो यीस्ट, नो पिज़्ज़ा सॉस और नो डो गूंदना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और कभी कभी दिल करता है ना कि बच्चे पिज़्ज़ा मांग रहे हैं और आपको ये है कि जल्दी बना के देना होता है, तो वो पिज़्ज़ा भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही प्यारा व्लॉग होने वाला है, आप लोगों के लिए अच्छा व्लॉग होने वाला है, खूबसूरत व्लॉग होने। तो ये चलते हैं, हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और ये अच्छा जी, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक ऐसा पिज़्ज़ा जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें जो है ना, बच्चे एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, और कहीं पे भी देखते हैं ना बच्चे, तो फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ चाहिए होती है, चाहे आप अफोर्ड कर सकें या ना कर सकें, चाहे आप बना सकें या ना बना सकें। यहाँ पर मेरे पास एक शावरमा ब्रेड रखी हुई थी, तो वो एक ही ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं इसका पिज़्ज़ा बनाती हूँ और विदाउट ओवन बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्रेड को सेक लेना है। ब्रेड को जो है ना, हम दोनों तरफ से जो है वो लाइट लाइट सा सेक लेंगे और थोड़ा सा ब्राउन सा कर लेंगे। अच्छा, ये वाला जो पिज़्ज़ा है मैंने बनाया था और बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था। मेरे पास इस टाइम जो है वो पिज़्ज़ा सॉस भी थी, लेकिन मैंने कहा पिज़्ज़ा सॉस को करते हैं हम साइड पे, और अगर किसी के पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो वो चिली गार्लिक या केचप वगैरह भी यूज़ करके पिज़्ज़ा बना सकता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी चिली गार्लिक ली थी। चिली गार्लिक जो है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो पिज़्ज़े में। पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है, आप इसमें जो दिल करे डालें और जो दिल करे ना डालें। हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है, फ्लेवर अलग अलग होता है, किसी के बच्चे कोई चीज़ खाते हैं, किसी के बच्चे कुछ नहीं खाते, तो अपनी अपनी चॉइस है। मैं इसमें ऑलिव्स नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे ऑलिव्स नहीं खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं डालती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को थोड़ा सा बारीक कट कर लिया था, और ये पिज़्ज़ा जो है ना स्पेशली मैंने अपने लिए बनाया था। बच्चों का मैं एक पिज़्ज़ा बना के दे चुकी थी, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि इसमें मैंने क्या डालना है क्या नहीं डालना। और चिकन के क्यूब्स बने रखे थे, अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल जो भी कोई कोरमा, कढ़ाई, चिकन का सालन जो भी बनाते हैं, उसमें से भी आप चिकन के स्लाइस निकाल के और बच्चों को खुश कर सकते हैं। बच्चों को जितना ज़्यादा मुश्किल लगता है कि बनाना, उतना ही ज़्यादा आसान भी है बच्चों को बनाना। कभी कभी आपका दिल करता है कि कुछ भी ना खाएं और कुछ यूनिक खाएं, तो इस टाइप की चीज़ें बना लेनी चाहिए कि जिससे खा के आपको मज़ा भी आ जाए और थोड़ा सा रोटी से डिफरेंट हो जाए। यहाँ मैंने थोड़ी सी चीज़ ले ली थी, चीज़ के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि मैं कौन सी अफोर्डेबल चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जो 1000 रुपये में पूरा मंथ चल जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बड़ी यूनिक सी एक टिप बताने लगी हूँ। टिप ये है कि जैसे कि आप लोगों को ये टेंशन होती है कि पिज़्ज़ा जो है वो ओवन में सही बनता है, तो इसमें नहीं बनता, तो आप एक तवे को तेज़ गरम करें और आप सॉस पैन के ऊपर रख लें, तो ये देखें कितनी जल्दी से चीज़ मेल्ट होगी। अगर मैं इसको 2 से 3 दफ़ा दोबारा करती तो ये ब्राउन भी होना शुरू हुई थी। तो यहाँ पर चूल्हा जो, जब मैंने सॉस वगैरह लगाई थी सब चीज़ें, चूल्हा फिर मैंने बंद कर दिया था। अब मैंने थोड़ी देर के लिए चूल्हे को ऑन किया था, और ये देख सकते हैं आप मिनी पिज़्ज़ा, इतना पिज़्ज़ा आई थिंक बाज़ार में 350 से 400 का मिल रहा है, और ये बहुत ही सस्ता, बहुत ही अफोर्डेबल पिज़्ज़ा ये घर में बना है, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पिज़्ज़े की रेसिपी बहुत ईजी लगी होगी और आसान लगी होगी। आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हैक्स कि जो आप बना कर चीज़ें रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। मेरे जो हस्बैंड हैं वो लेमन ले आए थे सस्ता सोच के, और मुझे हुआ कि बहुत छोटे छोटे लेमन ले आए और वो जल्दी से ख़राब भी हो रहे थे। यहाँ मैंने अदरक लहसुन बना कर रखा था फ्रीज़र में, इसको मैं शॉपर में से निकाल रही थी। शॉपर में इसलिए रख दिया था ताकि पूरे फ्रीज़र में स्मेल ना हो। ये लेमन थे जी, ये पूरे 100 रुपीज़ के लेमन है, 100 रुपये के। तो अब मुझे ये था कि ख़राब ना हो जाए, मैंने इसमें से 8 से 10 लेमन निकाल लिए थे कि ब्लैक कॉफ़ी या कुछ भी पीने के लिए, और बाकी मैं इनको फ्रीज़ करने लगी हूँ। फ्रीज़ आप लोगों ने कैसे करना है, इनको सबको अच्छे से वॉश करके आप लोग कट कर लें। अच्छा, कट बहुत ध्यान से करना है कि कहीं आपकी उंगली वगैरह ना कट जाए। लेमन जो है ना, लेमन में तो मेरी जान है, मैं तो लेमन के बगैर गुजारा कर ही नहीं सकती। मुझे लेमन बहुत पसंद है हर चीज़ में, और कहवा वगैरह भी मैं लेती हूँ ताकि वेट मेंटेन रह सके। फ्लेवर को भी बहुत इन्हेंस कर देते हैं। लेमन जो होते हैं बहुत यूनिक से एक टेस्ट दे देते हैं आपकी रेसिपी को। बिरयानी और बाकी सब चीज़ों में भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ अदरक लहसुन मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के रख लिया था ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए और मैं इसको निकाल के फ्रीज़ कर दूँ। और ये तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए मेरा अदरक और लहसुन तैयार है। अब मुझे कोई झंझट नहीं है और फ्रीज़ करने से बिल्कुल ये ताज़ा रहता है, इसकी खुशबू वैसे ही बरकरार रहती है जैसे आप लोगों ने अभी पीसा हो। यहाँ मैंने कुछ क्यूब्स बड़े किए थे और कुछ छोटे, जैसे कि अगर आप लोगों को कम डालना है तो आप छोटा क्यूब ले लें, बड़ा डालना है तो आप बड़ा डाल दें। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि अगर आप इनको करके रख लें तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी पीजी हो जाती है। और मुझे तो बहुत इजी लगता है इस तरह, किसी टाइम लाइट नहीं भी होती तो आपका काम जो है वो हो चुका होता है। इस लेमन को निचोड़ने के लिए पूरे 4 हाथ लगे हैं। सबसे पहले मेरा, फिर मेरे हस्बैंड का, फिर मेरे छोटे बेटे का, फिर मेरे बड़े बेटे का, फिर जाके ये लेमन स्क्वीज़ हुए हैं। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था कि हस्बैंड बहुत छोटे छोटे लेमन ले आए हैं और मैं बहुत गुस्सा कर रही थी, तो फिर साथ लग गए थे कि चलो मैं भी करवाता हूँ। यहाँ मैंने अच्छे से लेमन का जूस निकाल लिया था और चोचलेबाजी मुझसे हो नहीं रही थी। मैंने हाथ से पकड़ के निचोड़ा और उससे ज़्यादा अच्छा निचला। अच्छे से लेमन को निचोड़ के आप लोग इसको क्यूब्स में डाल लें या किसी बॉटल में डालें। क्यूब्स में डालने से ये है कि फ्रीज़ हो जाएंगे और ज़्यादा देर तक रहेंगे और इसको हम अच्छे से फ्रीज़ कर देंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा होगा, यमी लगा होगा। और आप लोग में से जो भी नए मेरे चैनल पे आए हैं मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिएगा अपनी प्यारी सी सिस्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।